Soldiers, ready for national anthem. Yes, sir. अभी सूत्र से बड़ी खबर आ रही है कि आधे घंटे पहले सेंट्रल पे एक बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ ये समाचार पहुँचा दिया गया है कि आपके घर का एक जवान, एक आदमी शहीद हो चुका है हमारे इस सेंट्रल के अटैक के अंदर। तो उन लोगों की भी रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है। और साथ ही साथ हमें एक और बड़ी खबर आ रही है कि हमारे चैनल के थ्रू नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री, लाइव आने वाले हैं और कुछ भाषण देने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं, कुछ कहने वाले हैं जो भी इस आतंकी हमला हुआ है। तो सबसे पहले चलिए हमको दिखा देते हैं कि क्या हो रहा है उन घर पर जहाँ के लाल, जहाँ के बेटे, जहां के जवान शहीद हो चुके हैं। तो चलिए उन घर चलते हैं और देखते हैं क्या-क्या चीजें वहां हो रही हैं। किस वह गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे है मिट्टी की। क्या हमें कोई बड़ा आदेश लेना चाहिए? क्या सच में लेना चाहिए? मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है अभी के अभी क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैसला लेने वाला हूँ आप लोगों के सामने। तो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि अपना इस चीज़ को प्राइवेट ही रखें, किसी तक फैलने ना दें। तो इससे जो भी यहाँ पे हम बात करेंगे वो किसी तक पता नहीं चलनी चाहिए या कि दुश्मन आगाह हो जाए और वो जान जाए। तो मैं कहना चाहूँगा लैंड आर्मी के चीफ मार्शल से कि अपने 4 जवान तैयार कर लीजिए जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर जाएंगे पाकिस्तान के अंदर। राम, श्याम, कृष्णा और जैक, आप चारों को जाना है पाकिस्तान एक बहुत खतरनाक सर्जिकल स्ट्राइक पे, जिसका मेन टारगेट होगा क्लॉक टावर। आप चारों ध्यान से देख लो इस जगह को, वो दो आतंकी जिसने आपके भाइयों को मारा है वो वहीं छिपे बैठे हैं। ऑपरेशन अपने प्रगति पे चल रहा था, पर यहाँ पे 2 जवान हमारे भारत के शहीद हो चुके थे इस ऑपरेशन के अंदर, और बाकी के 2 जवान जो कि अपनी पूरी लगन के साथ मिशन को कर रहे थे और अंत में उन्होंने पूरी जीत भी हासिल कर ली थी। और आखिरी के 2 सबसे मुख्य आतंकवादियों को उन्होंने पकड़ लिया था। उनके पास कोई भी अब ऐसे हथियार नहीं थे ताकि वो हमारे इंडियन फोर्स से लड़ सकें, तो वो दोनों अलग से घर में छिपे बैठे थे। और हमारे इंडियन के 2 आर्मी चीफ कमांडर वहाँ पे पहुँच चुके थे और वहाँ पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो क्या हाल है तुम लोगों का? तो चलो नीचे चलो, शांति से निकल जाओ वरना खोपड़ी खोल देंगे हम आप दोनों की। चलो निकलो, चलो एकदम नीचे निकलो, चलो पहली फुर्सत में एकदम नीचे निकलो।
चलो निकल तो निकलो 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 एकदम नीचे निकलो, चलते रहो नीचे निकलो, कोई भी चलाकी की तो सीधा उड़ा देंगे हम, चलो एकदम निकलो एकदम धीरे धीरे चलो, कोई नौटंकी नहीं करेगा, कोई चलाकी नहीं करेगा, कोई भी चलाकी नहीं करेगा तुम दोनों में से, चलो सीधे। भाई भाई हमें माफ़ कर दो भाई, भाई हम आज के बाद ऐसा कभी भी कुछ नहीं करेंगे जैसे तुम लोगों की भारत को हानि हो, भाई हमें माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो भाई प्लीज़, हमें माफ़ कर दो। माफ़ तो मैं कर देता मेरे भाई, पर भारत का इतना कर्ज आ गया मेरे ऊपर कि उसे चुकता करना पड़ेगा, सॉरी। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में गदे, अब किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा करने की। हमारे सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है कि हमारी इंडियन आर्मी के दो बचे हुए जवानों ने बाकी के सभी दुश्मनों को मार दिया है। हालांकि इस ऑपरेशन के अंदर हमारे दो बड़े जवानों की जान भी जा चुकी है, परंतु दो बड़े ऑफिसर्स ने यहां पे अकेले सर्जिकल स्ट्राइक से मारी और इंडिया को जीत तक पहुंचा दिया है, और ये बड़ी जीत है हमारे लिए।